भावनगर में निर्माण पामनारा नवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टना बिल्डिंग नू केंद्रीय कायदा अने न्यायमंत्री कोरेन रिजिजू अने राज्यना कायदा अने न्यायमंत्री भावनगर में नवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टना बिल्डिंग नू केंद्रीय कायदा अने न्यायमंत्री किरेन रिजिजू अने राज्यना कायदा अने न्यायमंत्री राजेन्द्र त्रिवेदीना हस्ते खातमुहूर्त करवामां आव्युं छे। नवो बिल्डिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टे ज्ञान मंजूरी एंजीनियरिंग कॉलेज पासे सिसर रोड खाते निर्माण पामशे। आ प्रसंगे केंद्रीय कायदा अने न्यायमंत्री किरेन रिजिजूए जणाव्युं हतुं के कोर्ट बिल्डिंग न्यायना प्रतीक समान छे, त्यारे गुजरातमां खूब ज सुविधायुक्त कोर्ट बिल्डिंगो बनी रह्या छे। केन्द्र सरकारनी ग्रांटना गुजरातमां माळखागत सुविधामां वधारो करवामां उपयोग थई रह्यो छे। हाल भावनगरमां 59 કરોડના ખર્ચથી 6 માળનું 25 કોર્ટ રૂમ ધરાવતું આધુનિક સુવિધાયુક્ત ટેકનોલોજી સાથેનું બિલ્ડિંગ તૈયાર થશે। ગુજરાત હાઈકોર્ટ જેટલી સુવિધાવાળું બિલ્ડિંગ ભાવનગરમાં બનશે। યે આમ આદમી અરવિંદ કેજરીવાલ હર દિન દેશ કો તોડને કે લે સમાજ કો તોડને કે લે કુછ 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 ના કુછ કરતે રહેતે હૈ। ગુજરાત મેં તો લોગ સમજદાર હૈ ઉસકો યહાં તો આને નહીં દેંગે। વો જો નાટક કરતે રહેતે હૈ ગુજરાત કે લોગ સમજદાર હૈ। पंजाब के लोग अभी पछता रहे हैं। पंजाब में उन्होंने सपना बेचा और अभी इतना एक साल नहीं हुआ, पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि ये गलत आदमी को वोट दे दिया है, पछता रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने गड़बड़ करके दिल्ली के लोग भी अभी पछता रहे हैं। गुजरात में उसका चलेगा नहीं। और जो धर्म के नाम से जो आप बता रहे हैं, जो भी बोला गया है, वो उसको गलत तरीके से आम आदमी वाले ने उसको यूज़ किया, बोलने दिया, इसका खंडन करता हूँ। मैं खुद बौद्ध हूँ, बौद्ध हिंदू हम सब एक हैं। सिर्फ एक अलग अलग थोड़ा सा उसका तौर तरीका में अलग है, बाकी सोच विचार हम लोग का सारा अस्तित्व एक है। तो ये इस तरह का बात करना, ये अरविंद केजरीवाल और उनके कंपनी ऐसे बात कर सकते हैं।